भारत करने वाला है चीन पर सबसे बड़ा फैसला। एक साथ 100 खूंखार हवाई लड़ाके उतरने को है बेताब। राफेल छोड़िए, उससे भी खतरनाक ग्रिपेन ई आने वाला है भारत। पाकिस्तान का दोस्त बन गया भारत का सबसे बड़ा मददगार। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव चल रहा है। चीन को लेकर के लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि वो हमारे पूर्वोत्तर में भारतीय इलाकों को एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते हुए एक नया नक्शा रिलीज किया था, जो ये बताता है कि चीन के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वहीं अक्साई चीन के बाद चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लद्दाख जोन पर है। दोस्तों, चीन इस इलाके को हथिया लेना चाहता है, क्योंकि अक्साई चीन के साथ ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सोना दबा हुआ है और बहुत सारे ऐसे खनिज वहां पर दबे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, सामरिक लिहाज से भी चीन के लिए ये जोन काफी इंपोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को वो अपना इलाका मानता है और इसके लिए अक्साई चीन तक वो देने का सौदा करने को तैयार है। दूसरी ओर चीन भारत को अपना दुश्मन मान चुका है, क्योंकि भारत उसे कई मामलों में अब पीछे छूट चुका है। दोस्तों, ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से चीन भारत के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका गुलाम पाकिस्तान भी साथ है और कुछ हद तक तुर्की जैसा देश भी शामिल है। और यही वजह है कि चीन का मुकाबला करने के लिए और उस पर त्वरित बढ़त बनाने के लिए भारत लगातार डिफेंस डील्स कर रहा है। और ये तो आपको पता ही है कि चीन भारत के राफेल से काफी डरता है, क्योंकि राफेल खुद 4.5 जनरेशन का हवाई योद्धा है, लेकिन ये पांचवी पीढ़ी के विमानों को छका सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास आज की डेट में जो राफेल विमान हैं, वो संख्या बल के लिहाज से नाकाफी हैं। भारत को कम से कम 100 फाइटर जेट्स की तत्काल जरूरत है, जो कुछ सालों में चाहिए। और इसके लिए भारत अब एक बड़ा ऐलान करने वाला है। दोस्तों, चीन को एक झटके में ही तबाह करने वाले उस हवाई योद्धा की पहचान भी हो गई है, और ऐसा करने के लिए भारत ने स्वीडन का रुख किया है। यानी भारत और स्वीडन में एक मेगा डील होने वाली है। इसमें भारत एक ऐसा सौदा करने वाला है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। लिहाजा दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है कि चीन की रड़क मिटाने के लिए भारत आखिर 100 हवाई योद्धाओं का क्या सौदा करने वाला है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की खुराफात के चलते भारतीय वायुसेना लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है, और इस कमी को पूरा करने के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA सौदे के तहत 114 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाना है। लेकिन अब इन विमानों की भारत को बहुत जल्द जरूरत महसूस होने लग गई है। हालांकि दोस्तों, भारत ने तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अभी भारत को 100 फाइटर जेट्स की तत्काल जरूरत है, और इतना नहीं, दुनिया भर की विमानन कंपनियां भारत से MRFA सौदे पर निगाह गड़ाए हुए हैं। इनमें डेजोल्ट एविएशन का राफेल जेट, बोइंग का F-15EX और F-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट, साब का JAS-39 ग्रिपेन और लॉकेट मार्टिन का F-21 शामिल है। दोस्तों, इन कंपनियों को लगता है कि अगर भारत ने उनके विमानों को खरीद लिया तो राफेल के जैसा ही उनका भी भाग्य बदल सकता है। भारत ने जब से राफेल विमानों का ऑर्डर दिया था, तब से उसके विदेशी ग्राहक बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं। आज के डेट में राफेल दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले फाइटर जेट्स में शामिल हो चुका है, और इन विमानों की खरीद लगातार बढ़ रही है, और कई देश भविष्य में भी इन फाइटर जेट्स को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत भी राफेल के नेवल वेरिएंट राफेल M को खरीद रहा है, और इसकी तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत के अलावा भविष्य में बनने वाले ऐसे ही दूसरे युद्ध पोतों पर होने वाली है। हालांकि दोस्तों, इसी बीच स्वीडन की साब ने भारत को ग्रिपेन ई का ऑफर दिया है, और भारत इसको लेकर के ऐतिहासिक डील भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, भारत के MRFA को लेकर के जो कंपनी सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से ऑफर दे रही है, वो है स्वीडन की साब। साब ने भारतीय वायुसेना को अपने अत्याधुनिक ग्रिपेन ई विमान का ऑफर दिया है। साब ने कहा है कि अगर भारत के साथ लड़ाकू विमानों की डील वो कर लेते हैं, तो वो भारत के लड़ाकू विमान इंजन प्रोग्राम में भी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले हफ्ते ही दोस्तों, साब ने एक्स हैंडल पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक बयान में कहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत ग्रिपेन ई विमानों की पेशकश की गई है। साब ने दोस्तों कहा है कि वो आगामी भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की प्रक्रिया में 114 ग्रिपेन ई लड़ाकू विमानों की पेशकश करेगा। ग्रिपेन ने पाकिस्तान को अवॉक्स सिस्टम बेचा था, ऐसे में दोस्तों शायद ही भारत इस कंपनी के साथ में कोई डील करे, क्योंकि दोस्तों जो अवॉक्स सिस्टम है वो ही इन फाइटर जेट्स को ट्रैक करने का काम करता है। उसके ऊपर जो रडार लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैकिंग का काम करता है। अगर पाकिस्तान के पास इसी कंपनी का
अवॉक सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी का लड़ाकू विमान वो भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। लिहाजा भारत शायद इसके साथ में डील करे, लेकिन दोस्तों इस विमान की खासियत और इसकी ताकत जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ग्रिपेन ई भारत के MRFA सौदे में शामिल सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। ये मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल समेत कई घातक हथियारों से लैस है जो भारतीय वायुसेना को अपने विरोधियों के खिलाफ बढ़त दे सकती है। इसके हाई परफॉर्मेंस सेंसर जैसे कि AES रडार और IRST सिस्टम, उन्नत डेटा लिंक और AI से लैस निर्णय लेने की क्षमता से पायलट को स्थिति के हिसाब से फैसला लेने में काफी मदद मिलती है। ग्रिपेन ई अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मजबूत मिसाइलों से भी लैस है। इसमें अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है। इसके अलावा दोस्तों इसके कम रडार क्रॉस सेक्शन और कम परिचालन लागत विरोधी फाइटर जेट्स पर बढ़त दिला सकती है। साथ ही दोस्तों इसमें कई हाई परफॉर्मेंस सेंसर जैसे कि AES रडार और IIS सिस्टम पर AI तकनीक से लैस होने से, यानी दोस्तों इन सारी टेक्नोलॉजी की वजह से ये विमान काफी ज्यादा मददगार भारत के लिए हो सकता है। हालांकि विमानों के बाजार में प्रतिस्पर्धा अक्सर दो चीजों को लेकर के होती है, पहली है जियोपॉलिटिकल दबदबा और दूसरा है आर्थिक समर्थन, और भारत लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रहा है और दोस्तों भारत इसमें सफल भी हुआ है। हालांकि इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना तेजस फाइटर जेट बना रखा है, M-CA के ऊपर काम चल रहा है और इसको लेकर के जो इंजन है उसको लेकर के अमेरिका के साथ में डील हो चुकी है, तो इसके बाद भी भारत आखिर दूसरे देशों से अपने जेट क्यों खरीद रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं।